हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल्स के बारे में। ये एमपीटेट वर्क दो सीटेट ईएमआरएस जैसे टीचिंग एग्जाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जहाँ पर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सेशन पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अ बॉय ऑफ मास 55 kg रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 50 स्टेप्स इन 10 सेकेंड्स। इफ़ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड हिज पावर वेयर जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास कितना गिवन है 55 kg, टाइम कितना है 10 सेकेंड और हाइट कितनी है एक स्टेप की 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और किलोग्राम का कोई भी मैचअप नहीं है, इसलिए हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। और कितने स्टेप्स हैं, 50 स्टेप्स हैं। ईच स्टेप की जो हाइट है वो कितनी है, 0.1 मीटर है, तो 50 स्टेप्स की कितनी होगी 5 मीटर। तो टोटल हाइट कितनी हो गई 5 मीटर। जी कितना दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वर्क डन इज इक्वल टू mg। सबसे पहले मास और ग्रेविटी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो करेंगे, फिर पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब हमने वर्क डन निकाल लिया है और वर्क डन जो है वो कंज्यूम्ड एनर्जी के बराबर होता है। जब हम कोई काम करते हैं तो एनर्जी यूज़ होती है ना, तो किए गए काम के बराबर ही होगी। एनर्जी कितनी लगेगी, जितना हमने काम किया होगा या जितना हम काम करते हैं उतनी हमें एनर्जी लगती है। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, mgh। क्या हो गया, mgh। फिर पावर इज इक्वल टू कितना है भाई, पावर वर्क डन के इक्वल है, वर्क डन अपॉन टाइम है, और वर्क डन कितना हो गया mgh हो गया। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि हमने पहले mg लिखा था, अब mgh कैसे लिख दिया, क्योंकि कंज्यूम्ड एनर्जी के बराबर वर्क डन हुआ है। मतलब जितना हमने काम किया है उतनी एनर्जी खर्च हुई है, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है, इसलिए वर्क डन इज इक्वल टू mgh हो गया। लेकिन पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम है, तो mgh अपॉन टाइम हो जाएगा। तो जो हमने वैल्यू लिखी है हम उसको पुट करेंगे और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अ मैन इज मूविंग विथ हाई वेलोसिटी ऑफ 30 meters per second। डिटरमाइन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द मैन वेइंग 60 kg इफ ही इज ऑन अ हाइट ऑफ 50 meters एट दिस स्पीड। जी कितना दिया है 10 meters per second square। तो वेलोसिटी कितनी है 30 meters per second, मास कितना है 60 kg, हाइट कितनी है 50 meters। सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो भी कुछ गिवन होता है आप उनको नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, क्या पूछा गया है उसके बेसिस पर। हमसे क्या पूछा गया है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये कांस्टेंट होती है वो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए हमें एक फॉर्मूला लर्न करना है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। m दिया है, g दिया है, h दिया है, इजीली निकल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 1/2 mv². वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कीजिए। अब टोटल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों की हमने वैल्यू पुट करी, एड ऑन किया और ये हमारा आंसर आ गया। समझ आ गया आप लोगों को। देखिए जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, चाहे इस चैनल से या किसी अदर चैनल से या फिर किसी बुक से, हमेशा पेपर पेन लेकर बैठिए। जैसे आप क्वेश्चन को रीड करते हैं सबसे पहले गिवन चीज़ें लिख लीजिए, उसके बाद क्या पूछा गया है वो देखिए, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है वो देखिए, और फिर वैल्यूज़ को पुट करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल से बहुत लोगों को डर लगता है, लेकिन देखिए अब
साइंस है तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पोर्शन तीनों ही आना है। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल बायोलॉजी बहुत अच्छा कर कर चले जाएं, फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दें, या फिजिक्स बहुत अच्छा करके चले जाएं, केमिस्ट्री बायोलॉजी छोड़ दें। मतलब किसी भी एक सब्जेक्ट को हम पूरी तरीके से स्किप नहीं कर सकते। आज के टाइम पर कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है, तो हमें सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देकर चलना होगा। मतलब हमारा डिवोशन हर सब्जेक्ट के लिए इक्वली होना चाहिए, ठीक है? तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर पेपर पेन लेकर बैठे ही हैं। अगर आप नहीं बैठते तो ये हैबिट अपने अंदर डाल लीजिए। उसके बाद जो भी चीज़ें गिवन है वो लिखिए, फिर जो पूछा गया है वो लिखिए, और फिर फॉर्मूले को अप्लाई करके वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। अब देखिए, जैसे इसमें मास गिवन है और पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। तो क्वेश्चन क्या था, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 केजी इज एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल, फाइंड द हाइट। ये तो बहुत इजी है कि भाई मास दिया है, पोटेंशियल एनर्जी दी है, हाइट निकालनी है, और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, वैल्यूज को हम पुट करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। सपोज यू हैव अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इन योर हैंड, टू व्हाट हाइट विल यू रेज इट सो दैट इट मे एक्वायर अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 joule। देखिए, अब जो चीज़ें गिवन है, सबसे पहले लिखिए, वीडियो को पॉज करके जो भी चीज़ें गिवन है लिखिए। मास है 1 kg, हाइट हमको निकालनी है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 1 joule, ठीक है? मास 1 kg, पोटेंशियल एनर्जी 1 joule, हाइट हमको निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और ये हमारी हाइट आ गई 0.1 meter। आई होप ये समझ आ रहे होंगे आपको क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 6 meter अबव द ग्राउंड, जी इज इक्वल टू 9.8 meter पर सेकेंड स्क्वायर। क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम वो नोट डाउन करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी दी है क्या? नहीं दी भाई, एनर्जी तो फाइंड आउट करनी है। मास दिया है 10 kg, हाइट दी है 6 meter, जी की वैल्यू दी है, वैल्यूज़ को पुट करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो गाइज़, यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया हो। इम्पॉर्टेंट सेशन है वर्क 2, सीटेट, ईएमआरएस जैसे एग्ज़ाम्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।